तो गाइस हम लोग अब शेख जायद रोड पे हैं और शेख जायद रोड यार एक नंबर रोड है। आप पूरी बिल्डिंग चेकआउट कर सकते हो, पूरे स्काई स्क्रैपर्स मतलब एक अलग ही उसमें है। पहले तो व्यू चेकआउट करो, बढ़िया है ना। गर्मी में व्यू चेकआउट करने का मज़ा ही कुछ और है। बट तब भी आज हम लोग का कोई प्लान नहीं है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ, बुर्ज खलीफा जाएँ, दुबई एक्वेरियम जाएँ या फिर फुजैरा और वहाँ उस साइड जाएँ, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और वो मॉस्क भी दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके गाइस देन चले। अब आज हम लोग मीना बाजार साइड आ गए थे, वहाँ पे देखो ब्रेड पकौड़ा मिलता है, बढ़िया टेस्ट भी ठीक है, अच्छा है। समोसा क्या बड़ा पाव इस। हम लोग अभी बढ़ दुबई में बढ़िया आराम से घूम रहे हैं, तो ये हमारे साथ मंसूर भाई हैं, ये हमें सारी शॉप्स घुमा रहे हैं अंदर की, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी शॉप्स में ऐसे ही होता है इंडिया जैसे ही, कि आप फर्स्ट कॉपी का जो भी सामान है ना वो आप डायरेक्टली रख नहीं सकते, तो ये लोगों ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर और इन सब जगह अपना बना के रखा हुआ है। तो हम लोग जब से घूम ही रहे हैं आज बढ़ दुबई में जाके इंडियन खाना खाने को मिला है बहुत टाइम बाद, बट अच्छा लगा। और यहाँ पे आप जब भी आओ तो मैं मंसूर भाई का नंबर इस वीडियो के लिंक में मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग कभी भी आओ तो मंसूर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको सारी जगह घुमा सकते हैं और ये आपके बहुत काम आएंगे। सारी शॉप्स का इन्हें पता है ना, तो कोई इशू नहीं है, कोई वांदे नहीं। हम लोग शॉपर प्लाजा में आए हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे मंसूर भाई हम लोग को लेके आए, तो मेरे भाई को कुछ लेना था विक्रम को, तो क्या ले रहे हो भाई यहाँ से? आपको जो भी परफ्यूम बनाना हो यहाँ पे बन जाएगा है ना, तो जो फ्रेग्रेंस चाहिए आप उन्हें बता दो तो वैसी फ्रेग्रेंस बन जाती है। सही बोल रहा हूँ ना ब्रदर, परफ्यूम्स के लिए एयरपोर्ट्स कौन से थे? प्रो टू ये प्रो टू मतलब ये 250 का, फिर उसके बाद आप जितने भी आपके अंदर क्षमता हो उतना मार्किंग कर लो, वरना आप लोग सीधा कर सकते हो और क्या भाई। वैसे यहाँ परफ्यूम्स का तो देखो अलग ही सेक्शन है, हर जगह हर दुकान पे, हर दूसरी दुकान पे हो गए यहाँ पे परफ्यूम्स का। हम केरला के, हमारा नाम रमशाद है, ये मंसूर है, हम क्या कॉपी में कॉपी वॉच बैग्स और परफ्यूम के लिए हमारा तो भाई कॉन्टैक्ट किया। रमेश भाई का नंबर भी मैं आपको इस लिंक में डाल दूंगा, तो ये भी यहाँ पे सेम, इन लोग का भी बिजनेस सेम है और ये लोग सब लोग इंडिया से ही हैं। इंडिया में भाई 2000 का नोट बंद हो गया। हम लोग तो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए, चलो भाई मिलके बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। ओके भाई चले विक्रम, चलो चले। ये गाइस यहाँ का इंडियन मार्केट है और इंडिया है पूरा, एक तरह से ये पूरा अच्छा खाना मिला इधर, ब्रेड पकौड़ा मिल गया तेरे को सही में यार, और वड़ा पाव मिल गया, वड़ा पाव अच्छा था। पर यहाँ पे आप देखो मैं आपको सही एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लेना हो ना तो डायरेक्ट कोई किसी के रेट में लेना ही मत, मतलब ये समझ लो कि आप रेट का बिल्कुल सही में 1/4 कर दो तो ही वो आपको सही पड़ेगा, वरना तो भाई प्राइस तो ये लोग दुबई के हिसाब से बताते हैं, होता नहीं है। देखो सब फर्स्ट कॉपी है, कुछ भी नहीं है, सब फर्स्ट कॉपी है। यहाँ कोई बोले भी कि जेन्युइन है तो वो आपको बना रहा है, तो उसकी बातों में नहीं आना। तो गाइस थक जाते हैं यार यहाँ पैदल चलते चलते, और शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग जाएंगे जमजम की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या पसंद आता है, फिर लेते हैं, आपको उसकी उनकी शॉप भी दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का शायद पाम जाने का है तो हम आ जाएंगे। इस हम लोग आ चुके हैं यहाँ की सबसे फेमस शॉप, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जमजम छोटे भाई बड़े भाई, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं एप्पल के, और जो कि यहाँ से आप देख सकते हो, उनसे आप व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इनको ऑर्डर भी दे सकते हो, और बहुत सारी और भी सब चीज़ें यहाँ पर एप्पल की अवेलेबल है, और ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हो इन्हें, और ये इंडिया में भी आपको डिलीवर करके देंगे, उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इनके
हर प्रोडक्ट इनटू, ये इनका खुद का भी चैनल है तो आप देख सकते हो। तो गाइस हम लोग अब शेख जायद रोड पे हैं और शेख जायद रोड यार एक नंबर रोड है, आप पूरी बिल्डिंग्स चेकआउट कर सकते हो, पूरे स्काई स्क्रैपर्स मतलब एक अलग ही उसमें है। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सी फ्लोर पे, सेकंड पे आ गए हैं अपन। तो हम लोग अभी नकील मॉल के अंदर हैं, नकील मॉल पाम जुमेरा पे है। पाम जुमेरा पे आप यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। अभी हम लोग सोहो गार्डन पे हैं और मैं आपको इसका दिखाता हूँ। अभी हम लोग सोहो गार्डन पे हैं और मैं आपको इसका दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यू। गाइस क्या तो व्यू आ रहा है यार, ये देखो ये सोहो गार्डन में हम लोग, यहाँ पाम जुमेरा पे है ये और बहुत बढ़िया है, यहाँ से पाम जुमेरा का व्यू आता है, वो भी मैं आपको अभी चेकआउट कराता हूँ। गाइस ये मॉल का मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है ना, और ये तब भी फिफ्थ फ्लोर पर, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है यार, मज़ा आ गया इसको देख के। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हम लोग सोहो गार्डन पे आ गए और ये देखो यहाँ पानी ना बहुत सर्कुलर मोशन में देखो पूरे टाइम चलता है, क्योंकि ये फाउंटेन है नीचे पूरा, ये पूरा नीचे मॉल में अंदर बीच में से गिर रहा है और बहुत ही शानदार व्यू है इसका। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, चेकआउट कराता हूँ। अभी हम लोग सोहो गार्डन जा रहे हैं कुछ खाना था, चलो गाइस आ जाओ। हम लोग नकील मॉल के अंदर हैं, अभी हम सोहो गार्डन से निकले हैं और अब हम लोग व्यू एट द पाम की तरफ। वो अलग ये अलग है, ये एक फ्लोर ऊपर है। जब हम लोगों ने अभी टिकट लिया है फॉर द व्यू ऑफ द पाम एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द, योर जर्नी स्टार्ट्स हियर। हेलो, अभी हम लोग की शक्लें अच्छी नहीं थी बट भाई ने कहा फ़ोटो खींच लो तो खींच लिया। तो गाइस आप व्यू देख सकते हो शानदार, पूरी एलईडी पैनल्स हैं, पूरे एलईडी पैनल्स हैं और आप बढ़िया देख रहे हो, क्वालिटी देखो यार, ऐसा लग रहा है 3D है। तो गाइस हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे चीज़ के लिए, जो हम लोग जिसके लिए आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट आई नहीं है अभी, तो यहाँ पे लिफ्ट से आपको 54th और 52nd फ्लोर पे आपको एक कॉफ़ी मिलता है और एक क्रोसो मिल जाएगा फ्री, बस दैट्स इट। अभी हम लोग यहाँ पानी पे चल रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन दैट साइड विद देम। 7 मिलियन टन्स ऑफ रॉक वाज यूज्ड एज़ द फाउंडेशंस। पूरा ये रेत बता रहे हैं कि रेत ऐसे ऐसे डाली उन्होंने। कहाँ खड़े हो तुम, पाम के बीच में खड़े हो गए। 1500 villas, 2500 apartments with over 78,000 people who live on the palm. Over 1 million tourists and residents visit the palm each year. The palm is home to 27 hotels including the stunning Atlantis the Palm. This is the Atlantis hotel ना, जहाँ पे वो हैप्पी न्यू ईयर वाली जो मैंने आपको अभी ब्लॉग में दिखाया ही था उसकी शूट हुआ है। और ये है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए नकील मॉल, उसके साइड में एक बिल्डिंग है जहाँ पे हम सोहो था, ये गोल वाला सोहो है और ये हम बिल्डिंग पे खड़े हैं। ये हम लोग दूसरी जगह आए और अब हम लोग को यहाँ बैठ के एक मूवी देखनी है। والآن كثيرا ما أصبحتم إلى مشروع أن أطلب المقال في البحر، دعونا نتحاور. يا ذكي
दुबई कोस्ट लाइन, पाम जो मेरा कितने बड़ा है, वर्ल्ड आइलैंड जो इसके साइड में है, टुडे इट्स अराउंड 300 किलोमीटर लेंथ में है भाई दुबई। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, पहले ये ऐसा था, देन 2003 में ये थोड़ा सा इसका रेत आई इसके ऊपर, देन उसके बाद ये यहाँ 2005 में इतना कंस्ट्रक्ट हो चुका था। अब फिर उसके बाद बिल्डर लोगों ने बोला वो पोजीशन देना चालू कर दें क्या, तो फिर पोजीशन दे दिया विला वालों को, तो 2008 में एटलांटिस बना दिया उन्होंने, कहा अब रेसिडेंशियल दिए तो भाई अब होटल्स भी देने पड़ेंगे, तो होटल दे दिए, मेट्रो दे दी यहाँ पे 2009 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करें, अब क्या करें, तो लोगों को ऊपर से फेंकना चालू कर दिया 2010 में तो स्काई डाइव उन लगाए, और फिर आप देख ही रहे हो, वैसे सब मजाक की बातें हैं यार, बट बहुत इन लोगों ने काम किया है यार, बहुत ज़्यादा है ना। और इसका एक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये किस पत्थर से बना गया है, ये देखो इतना बड़ा, तो मतलब ये रॉक था है ना, ये पूरा रॉक, एक रॉक इतना बड़ा होता था, और ये यही मशीन से शायद उठाते होंगे, इतना मुझे भी नहीं पता डिटेल में, बट हाँ लग तो यही रहा है क्योंकि सैंपल लगा हुआ है। This is a sample of a massive boulder that was used to protect the island of the Palm. Each rock weighed 6 ton. 6 ton kyun aap? Hame to pata hi nahi tha. तो गाइस अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हमें वो कहां मिले, अभी ये देखो आप लोग मुझे, अब आप देखो कितनी तेज ऊपर जा रही है, हम लोग को जा रहे हैं 52nd फ्लोर पे। यस, कान बंद हो गए, कान बंद हो गए भाई, नहीं सबके कान बंद हो गए, कान मेरे तो ऐसा लेके देखो, मेरा भी, अरे क्या हुआ है 44। तो गाइस ये तो एक्सेंट पे निकल जा, यही है अभी This is Palm. फोन गिर गया तो क्या होगा मेरा? कांच है, नहीं गिरेगा। भाई सार्केस्टिकली ही बोल रहा था, मुझे भी पता है कांच है। ये गाइस पाम जो मेरा गए दूसरा वाला पार्ट है जहाँ से दुबई दिखता है, और वो अगर कोई ध्यान से देख पा रहा हो तो वो है अपना बुर्ज अल अरब। तो ये है यहाँ का गाइस व्यू, और आप देख सकते हो। अब हम लोग कॉफ़ी शॉप जा रहे हैं कुछ खाने पीने। ये इस तरफ वाला वो था, अब हम लोगों ने कर लिया है अपना बढ़िया थोड़ा सा स्नैक्स ले लिए थे यहाँ से। ये बून कैफ़े है यहाँ का, व्यू एट द पाम का, सब भाई लोग को बुला लो अंदर से। तो ये व्यू यार, ये व्यू का है कुछ तो बात है इस व्यू में, है ना। चलो गाइज हम लोग अभी हम लोग 52nd फ्लोर में हैं, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 54th फ्लोर, एंड मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइज हम लोग अभी 54th फ्लोर पे हैं, व्यू ऑफ द पाम की, और मैं आप लोग को यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत ही शानदार व्यू है गाइज, चेक आउट द व्यू। होटल एटलांटिस, फिर उसके बाद ये देखो, और ये पूरा दुबई, ये जाइंट व्हील, ये रहा गाइस। हम लोग इस नकील मॉल से निकल रहे हैं, व्यू ऑफ द पाम ले लिया है हम लोगों ने, और बढ़िया बहुत मज़ा आया, वर्थ एक्सपीरियंस था यहाँ का। और इसका 150
150 AD हाँ पर पर्सन था ना, 150 पर पर्सन यहाँ का कॉस्ट रहता है व्यू ऑफ द फार्म का। उसमें आपको एक कॉफ़ी देंगे और एक क्रोसॉन देंगे या एक चीज़ केक। डेजर्ट्स का बहुत शौक है यार यहाँ वो चीज़। चलिए तो हम लोग मॉल से निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे। वैसे तो अब 12 बज चुके हैं तो कुछ लेने का कोई मतलब नहीं है। वी आर गोइंग फॉर फूड। हाँ वी आर गोइंग फॉर फूड। तो गाइज हम लोग अब निकल गए हैं। अब विक्रम ड्राइव कर रहा है, मैंने कहा मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ और हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहीं इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और कल आपको दिखाएंगे फुजैरा, रासल खेमा और उमल क्वीन। तो वहाँ का जो सफ़र है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक रॉक के पहाड़ है और जो जैसे आपको फास्ट एंड फ्यूरियस में वो जो रोड्स दिखाते हैं जिसमें सैंड होती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो शूट हुआ था ये सब, क्योंकि डिब्बा फुजैरा और ये सब उसी रोड पे सब कुछ शूट हुआ है। तो इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। Turn the bass up.